दोस्तों YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल है AR हीरो होंडा यामाहा। दोस्तों आज मैं डस्टिनो के बारे में बताऊंगा। डस्टिनो 125 आई है हमारे पास। ये देखो, इसमें जो चाबी का निशान आ जाता है उसके बारे में हम बताएंगे, चाबी का निशान कैसे ख़त्म किया जाए। ठीक है दोस्तों, ये देखो अब हम इसकी ये चाबी का निशान ख़त्म करने जाएंगे। ये हीरो डस्टिनी है, डस्टिनी 125 सीसी। ये देखो दोस्तों, ये देखो हम मीटर में दिखाएंगे। अब स्विच ऑन करने के बाद में ये देखो चाबी का जो निशान आ रहा है, ये चाबी का निशान नहीं जा रहा है। इसके चाबी का निशान जिस टेक्निक से हम ख़त्म करेंगे, देखो आप गौर से, हम ये मिनटों सेकंडों में ख़त्म करेंगे। ये निशान देखो, ये चाबी का निशान, ये डिपर मार रहा है, ये डिपर ना मारना चाहिए। इसके बारे में हम क्या करेंगे, ये देखो डिपर मार रहा है, ये देखो इसका, ये हमने स्विच ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद में हमने ये 30 सेकंड तक के दबा के रखा। ये देखो हमने 30 सेकंड पूरा दबा के रखना है इसे, क्योंकि बाजी गाड़ियों में ये स्विच ऑफ़ करने के बाद में जाता है, बाजी गाड़ियों में स्विच ऑन करने के बाद में जाता है। दोस्तों देखो ये हम करके दिखा रहे हैं। ये अब हमने, ये देखो इस टाइम भी ये चाबी का निशान नहीं गया। ये अब ये देखो हम दोबारा ये दबाएंगे, 30 सेकंड तक के दबाएंगे। देखो चाबी का निशान बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और पूरा ऑन करने के बाद में 30 सेकंड, कम से कम 30 सेकंड होना चाहिए। 30 सेकंड के बाद में ये निशान ऑटोमेटिक अपना आप चला जाएगा। ये देखो हमने ऑफ़ कर दिया, अब ऑन कर दिया, ये चाबी का निशान आया है, ख़त्म हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी भी टैक ये इस टेक्निक से भी जाता है। बाजी गाड़ियों में क्या होता है, स्विच ऑफ़ करोगे जब चला जाता है, बाजी गाड़ियों में क्या होता है, ऑन करने पे जाता है।